लेकिन आप जो एक रेगुलर शादी की उम्र सोची जाती है ट्वेंटीज़ और थर्टीज़ तो उस वक्त आप शादी करते हैं तो बड़े एक्सटर्नल प्रेशर्स बहुत होते हैं ससुराल का भी प्रेशर होता है फाइनेंशियल प्रेशर्स होते हैं फिर बच्चे आपने फैमिली स्टार्ट करनी है उसका प्रेशर है ज़िंदगी शुरू हो रही होती है आगे नहीं पता होता कि क्या है इज़ इट ईजियर लेटर इन लाइफ और इज़ इट मोर कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज जब आप अकेले भी रह रहे हो

होंगे एट दैट टाइम और कोई ऐसे ये भी एक अच्छी बात है कि कोई प्रेशर नहीं है नहीं एग्जैक्टली exactly. प्रेशर नहीं है बच्चे नहीं। बड़े हैं बच्चे आर यू बोथ हैव चिल्ड्रन फ्रॉम प्रीवियस बच्चे बच्चे हमारे बड़े-बड़े हैं ग्रैंडचिल्ड्रन भी बड़े-बड़े हैं हाँ. तो उसमें कोई वो नहीं है कि और उनके जो भी प्रेशर होते हैं थोड़े बहुत तो जो होते हैं कि ये हो गया वो हो गया उनको हम रिजॉल्व अपने अपने पर हमने करना है शादी तो किसी भी उम्र में मुमकिन है और होती भी है लेकिन मेरा ख्याल है कि इम्पोर्टेंट चीज यही होती है कि जिंदा रहना एक दूसरे के साथ वो आना चाहिए जी उसमें आपकी शादी जो है वो तो एक पेपर वर्क है ठीक है, ओके, है एक आ, लेकिन जिंदा रहना जो है वो दूसरी किताब है

मतलब कि मैं मेरा इख्तलाफ जो है वो आ, उसकी सूरत जो है वो डिफरेंट है आइडियोलॉजिकल आपके इख्तलाफ आइडियोलॉजिकल की बात नहीं है ये वर्किंग मेथड जो है आ, या मुख्तलिफ और चीज़ें जो हमारे प्रोफेशन में जो कि मुझे ठीक नहीं लगती राइट right. तो वहाँ पे मेरा मसला आता है राइट right. ये उसके साथ और तरीके के साथ डील करती हैं बिल्कुल मुझे जरा मुश्किल पड़ता राइट right. मगर आप दोनों फिर भी प्रोफेशनली एक्टिव हैं अभी तक माशाल्लाह से प्रोजेक्ट्स आपके आने वाले भी हैं योर ऑन सेट आजकल और फिर जो बचे हैं संग सिमेट लो वो भी है हाँ। और ग्रीन uh, चैनल का भी नाम है फातिमा जनाबी सीरीज है आप ह्यूमर और आ रही है और uh, मंदू साहब क्या-क्या चल रहा है आजकल वर्क रिलेटेड मैं तो दो चीजें कर रहा था मोहतरमा ये क्या था फातमा जना जो है वो तो अभी खत्म नहीं हुई आ, वो तो मेरा ख्याल है एक साल या डेढ़ साल और चलेगा काम होगा आ, बाकी दुनिया पर एक सीरियल है जी, उसमें मैं काम कर मैंने काम किया है right. अभी उस, रहता है उसका थोड़ा सा हाँ, थोड़ा सा काम ग्रीन का है ना वो भी हाँ. जी मेरा तो इतना कोई वो ज्यादा एंगेजमेंट नहीं राइट बाय चॉइस है ये देखिए जी सीधी बात है कि इसके बारे में बात शुरू हुई तो वो काफी लंबी जाएगी सीधी <laughs> बात है कि मैं अगर काम करूंगा तो अपनी मर्जी से कर लूंगा सही है ये नहीं है कि प्लान के अकॉर्डिंग ये कर दें वो कर दें प्लान कर दें तो आप उठ के कर दिया मुझसे नहीं होता और ना मैं करूंगा सवाल ही पैदा नहीं होता अपनी मर्जी से काम करूंगा क्योंकि काम मैं, अपने लिए करता हूं। मैं इनके लिए काम नहीं करता हाँ जहां मेरा दिल करेगा मैं काम करूंगा और जहां जहां आपने किया है वहां वहां आपका दिल था आ, हमेशा नहीं।, नहीं राइट हमेशा नहीं लेकिन ज्यादातर जो मैंने मैंने काम कितना किया

सीरियल अभी तक दो चले हैं वो दो चले हैं बहुत बड़ा था बिग सीरियल धूप की दीवार। फिर तो एक, एक, एक और एक तो और किया था कोई सीरियल जिसमें थोड़ा सा था आपका पता नहीं वो कौन सा था पता नहीं धूप की दीवार जिसकी वजह से सब्सक्रिप्शन ही खत्म हो गई पाकिस्तान में धूप की दीवार में बंद भी करा दिया ये तो इससे तो जान चुके हैं हाँ सही बात है सही बात है आप लोगों की लड़ाइयाँ तो होती होंगी ऐसा तो हो नहीं सकता कि किसी कपल की न, ना हो यकीन करेंग्यूमेंट आर्ग्यूमेंट आर्ग्यूमेंट होता है किस इंटेलेक्चुअल लेवल पे आप लोगों की आर्ग्यूमेंट होता है आर्ग्यूमेंट ये क्यों किया और ये क्यों किया ये इसलिए था और ये इसलिए था कोई तो ऐसी को, कोई देखें अगर आपका रिश्ता जो है इन चीजों को ऑब्जॉर्व नहीं कर पाता तो वो रिश्ता है नहीं पर ये छोटी मोटी जो चीजें होती हैं आर्गुमेंट हो गया खिलाफ हो गया तो ये ऑब्जॉर्व करना चाहिए ना उसको मगर इतनी ज्यादा नहीं इतनी ज्यादा नहीं बहुत कम लेकिन ये थोड़ी है कि हम हर दो घंटे के बाद आर्गुमेंट हो रहे हैं ये तो नहीं है इतना भी मेरा इश्क नहीं है आगुमेंट के साथ <laughs> <आगुमेंट> है <था। laughs> और वैसे भी पाकिस्तान में और सत्तर हजार लोग हैं जिनके साथ आप है नहीं है, हाँ। हाँ। है जायज नहीं क्यों अगर होता है कोई बात नहीं है लेकिन नहीं है कहते हैं ना कि शादी में कॉम्प्रोमाइज और थोड़ा सा उतार चढ़ाओ कोई खेचता है तो थोड़ा आप दे दें नहीं मैं दे रहा आपको वो... पहले भी कर चुका कि आप ये समझे कि अगर मेरी बेगम कहती है कि मैंने कल जहाज उड़ाना सीखना है तो मैं इनको ये नहीं कहूंगा कि नहीं ये क्या कहनी है पागल हो गई हैं